आज का जो हमारा वीडियो है दैट इज टोटली डिवोटेड टू अंडरस्टैंडिंग इंडेक्स फंड्स होते क्या हैं, व्हाट इज पैसिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेदर दिस होल कॉन्सेप्ट इज गुड और नॉट। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड स्टे ट्यून्ड बिकॉज वी आर स्टार्टिंग राइट नाउ। इंडेक्स फंड्स को समझने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड इंडेक्स क्या होते हैं। सो स्टॉक मार्केट इंडेक्स इन अ लेमैन्स लैंग्वेज वुड बी एन इंडेक्स व्हिच ट्रैक्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ मार्केट। तो आपने काफी ज्यादा मार्केट इंडेक्स के नाम सुने होंगे, बी इट सेंसेक्स, निफ्टी एंड व्हाटएवर। निफ्टी है क्या? निफ्टी इज एन इंडेक्स ऑफ टॉप 50 कंपनीज दैट आर रजिस्टर्ड इन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। Whereas Sensex is an index of 30 topmost companies registered in BSE. ये तो सिर्फ इंडिया की बात हुई। बाहर के मार्केट्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए there are separate indices. अगर मैं US की बात करूं तो वहां पे major ones would be S&P 500 और Dow Jones. Whereas अगर मैं UK की बात करूं तो वहां पे है FTSE 100, abbreviated as FTSE 100. अब हमें indices समझ आ गए हैं, index fund को समझना भी ज्यादा मुश्किल नहीं। To better explain this, I'm going to take two different concepts. One would be actively managed funds, whereas the other would be passively managed funds. अगर मैं actively managed funds की बात करूं, तो ये किसी भी एक mutual fund से कुछ अलग नहीं है. It's just like a normal mutual fund. यहाँ पे we as retail investors collect our money, give it to the AMCs, asset management companies, and these AMCs then invest on our behalf. So in actively managed funds mein hota kya hai? In actively managed funds mein there will be a fund manager. That fund manager using his all fundamental and technical analysis decide which company or which stock should be bought and what should be sold. Whereas ek passively managed fund ko control karega ek algorithm, ek formula. क्यों? क्योंकि passively managed fund की strategy होती है कि we are not taking any active decisions. We are just completely following an index. Passively managed funds are index funds. Second चीज यहाँ पे आएगी difference की expense ratios. Expense ratio is a form of commission that an AMC would charge for handling our money. अब obviously अगर वो हमारे behalf पे invest कर रहे हैं, they would charge some amount to run their operations. एक actively managed funds में जो expense ratio होगी, that would be higher in comparison to a passively managed fund. Why? Because एक actively managed fund में there are analysts who are reading company reports, जो thorough analysis करते हैं कि कौन सी company कब खरीदें, कब ना खरीदें, what is a good buy, what is not a good buy, कब short करें, कब ना करें. इन सबको करने के लिए they need funds and उसके लिए they will charge a higher expense ratio. Whereas passively managed funds में there is no need for that. जो भी index में दिया हुआ है उसी को copy paste कर रहे हैं, which means यहाँ पे किसी analyst की जरूरत नहीं है, यहाँ पे किसी fund manager की जरूरत नहीं है, hence expense ratio की जरूरत भी नहीं है. And third difference would be एक actively managed fund का main aim होगा that it is able to outperform the market, it is able to outperform an index. इसी वजह से तो उनको पैसे दिए जा रहे हैं. अदरवाइज अगर एक रिटेल इन्वेस्टर को जितना मार्केट रिटर्न दे रहा है उतना ही रिटर्न चाहिए होता, फिर तो वो एक पैसिवली मैनेज्ड फंड के पास ही ना चल जाए, एंड वहां पे एक्सपेंस रेशियो भी कम है. इसलिए एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड का मेन एम ही होगा दैट वी आर एबल टू क्रिएट अल्फा. अल्फा इज दैट परसेंटेज ऑफ रिटर्न विच इज अबव द मार्केट रिटर्न फॉर दैट वेरी ईयर. और एक पैसिवली मैनेज्ड फंड का मेन एम होगा टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडेक्स, एज आई मेंशन्ड अर्लियर. अब ऑल्दो जो भी सारे एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स थे इनका मेन एम था टू आउट परफॉर्म द मार्केट. क्या वो हमेशा ऐसा करते हैं? नॉट एग्जैक्टली. मॉर्निंग स्टार एक बहुत ही रिप्यूटेड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है एंड उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक मोर देन 50% ऑफ द फंड्स इन US आर नॉट एबल टू आउट परफॉर्म द मार्केट. बिसाइड दैट इवन लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफे हु इज करंटली द चेयरमैन ऑफ बर्कशायर हैथवे, उन्होंने 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था ही चैलेंज्ड द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री. ही चैलेंज्ड देम कि जो तुम्हारे एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स होंगे दे वुड बी एबल टू आउट परफॉर्म द S&P 500 इंडेक्स फंड्स. व्हाई? बिकॉज़ तुम्हारे फंड्स की एक्सपेंस रेशियो इतनी ज्यादा होती है दैट इट एक्चुअली ईट्स अप ऑल द रिटर्न्स ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स. बट एग्जैक्टली व्हाई डज दिस हैपन? व्हाई इज इट कि जो भी
एनालिस्ट है जो एक्टिवली मैनेज्ड फंड के एनालिस्ट हैं, जो उनका फंड मैनेजर है, दे आर देयर फॉर द सोल पर्पस ऑफ आउट परफॉर्मिंग द मार्केट, वो फिर भी मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। उसी रीजन को जानने के लिए विल डाइव अ बिट डीपर। तो यार जो वीडियो में हमने मॉर्निंग स्टार का एग्जाम्पल लिया, हमने वॉरेन बफे का एग्जाम्पल लिया, वहां से हमने प्रूव कर दिया, वहां से हमने कंक्लूड कर दिया कि जो पैसिवली मैनेज्ड फंड्स होंगे या फिर जो इंडेक्स फंड्स होंगे, दे विल बी अ मच मच बेटर परफॉर्मर देन द एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स। लेकिन इसके पीछे का रैशनल जानने के लिए आई एम गोना पुट फॉर्थ अ न्यूमेरिकल फॉर यू। सो इस न्यूमेरिकल में वी गोना यूज जस्ट वन फार्मूला एंड दैट्स गोना बी फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला। इट्स अ फाइनेंस का फार्मूला, नॉट रियली डिफिकल्ट। यहाँ पे जो इनपुट्स होंगे हमारे, हम बेसिकली तीन इनपुट्स लेंगे। आर इनिशियल इन्वेस्टमेंट वैल्यू, दैट इज गोना बी 1 lakh। सो दिस इज इन्वेस्टमेंट, लेट्स से दैट आई मेड इन 2020। आर सेकेंड अजम्पशन विल बी आर CAGR, आर केगर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, और इन अदर वर्ड्स रिटर्न्स, जो हम रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। व्हाट आई एम सेइंग इज कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 12% एनुअल रिटर्न्स ईच ईयर, व्हिच इज समवट इम्पॉसिबल, बट स्टिल हम अज्यूम कर लेंगे, फाइन। एंड द थर्ड अजम्पशन वुड बी इन्वेस्टमेंट पीरियड। जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, इट्स गोना कंटिन्यू टू ग्रो एट अ CAGR ऑफ 12% फॉर द नेक्स्ट 40 years, फाइन। एंड हम इन तीनों को इस फॉर्मूला में इनपुट करेंगे, द फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू वुड बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज 1 lakh, इनटू 1+ रेट ऑफ रिटर्न 12% रेज टू द पावर n। सिंस दिस अमाउंट विल गेट कंपाउंडेड ओवर द नेक्स्ट 40 years, हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। नाउ देयर विल बी 2 cases इन इट। सबसे पहले में वी गोना अज्यूम कि एक्सपेंस रेशियो है 2% इज द एक्सपेंस रेशियो दैट आई एम टेकिंग। Although there are a lot of mutual funds जिनकी expense ratio is much much higher than 2%, and जो 2% लिया मैंने, I'm not taken it average, 2% is below average, average if I take वो 2.5 और even 3 भी हो सकती है, but I'm going to take 2 to be as modest as possible and giving benefit of doubt to the mutual fund industry. Second case में I'll take 0% expense ratio, fine। तो अब इन सारों को इसमें put करने का, इस फॉर्मूले में पुट करने का टाइम आ गया इन आर सेकंड केस, जब एक्सपेंस रेशियो जीरो है। सो बेसिकली मीनिंग एक्सपेंस रेशियो जीरो का मतलब हमारा जो CAGR है दैट्स गोना रिमेन 12%, बिकॉज कोई भी एक मॉडरेटर नहीं है, कोई भी एक हमारा मिडलमैन नहीं है जो हमसे कुछ भी चार्ज कर रहा है। बेसिकली मीनिंग कि हमें 12% का 12% रिटर्न मिल रहा है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, मतलब जो हमारे 1 lakh रुपीस थे जो हमने 2020 में इन्वेस्ट किए थे, वो 2060 में जाके 40 साल बाद 12% रिटर्न के साथ 93 lakh हो गए। एंड दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब हम इसी को रियल लाइफ सिनेरियो में लेंगे, असल में ऐसा नहीं होता। व्हाई? बिकॉज देयर इज एन एक्सपेंस रेशियो दैट द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री चार्जेस फ्रॉम अस। अगर हम एक्सपेंस रेशियो को फैक्टर इन करेंगे, और ऑब्वियसली जो हमारा CAGR है दैट्स गोना रिड्यूस। व्हाई? बिकॉज जितना भी रिटर्न आएगा, they are going to charge a mere 2%, as they say, mere 2% from us of total portfolio, which basically means कि जो हमारा CAGR है वो 2% से कम हो जाएगा। Hence, हमारा जो net CAGR होगा, जो नया CAGR होगा, जो returns हमें मिलेंगे, those will be only 10%. We'll take the first case now. A few moments later, the future value becomes 45,25,925. You see the difference? Almost half. लगभग आधा है. And it's just this 2% playing. यहाँ पे कुछ expense ratio नहीं था, तब 93,05,097 हो गया. यहाँ पे सिर्फ 2% expense ratio के charge कर लिया उन्होंने. Over the next 40 years, वो हमसे 45 lakh से ज़्यादा रुपए खा गए. And what they did was nothing. So did you just realize what just happened? इससे हमें ये conclude हुआ कि जो capital है, 100% capital is of the retail investor. Whereas जो mutual fund industry है, जो mutual fund company है, उनका capital is zero. एक retail investor 100% risk लेगा उसके capital के लिए. Whereas एक mutual fund company zero risk लेगी. But फिर भी जो returns है, उसमें उनको equally भाग मिल गया. अगर एक्सपेंस रेशियो उस न्यूमेरिकल में 0% रहती, हम अराउंड अबाउट 1 lakh को 90 lakh में कन्वर्ट कर चुके होते ओवर द स्पैन ऑफ 40 years। बट क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने हमारा सारा पैसा खा लिया, दे एक्चुअली टुक अवे
those 45 lakh जो rightfully हमारा था under the name of expense ratio. And you know what's ironic? अगर हम numerical को देखें, उसमें से they actually ate away half of our returns. मतलब जितना भी profit हमें मिलना था, उसका तो उन्होंने part ले लिया. But अगर नुकसान हो जाए, तो उनकी कोई responsibility नहीं होती. And इसी responsibility से बचने के लिए उन्होंने कुछ magical words हैं जो हम सब retail investors के दिमाग में डाल दिए हैं. और वो है ये. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. जी हाँ, इसी लाइन के दम पे आज तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अपना कोई भी लॉस बियर करने को तैयार नहीं है. जब भी प्रॉफिट शेयरिंग की बात आई, वो अपना हिस्सा लेके निकल लेते. फ्रॉम ऑल ऑफ दिस वी कैन डेफिनेटली कंक्लूड कि जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं, देयर नथिंग बट जस्ट अ बिग स्कैम. दे हैव बीन स्कैमिंग पीपल फॉर ऑल दिस टाइम एंड वी हैव बीन अनअवेयर. बट डज दिस मीन All the index funds are the same? Not really. Why? जब मैं index funds की बात करूंगा, different AMCs ही ये index funds को निकाल देती हैं. अभी आपको screen पे 6 index funds दिख रहे होंगे. All of these index funds are supposed to be tracking Nifty 50. Yet ये 6 की 6 equal returns नहीं देगी. Again the difference comes because of the expense ratio. अगर ये 6 की 6 सिर्फ एक Nifty 50 को ही track कर रही हैं, why are they charging different expense ratios? हमें इतना तो समझ आ गया कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना इज अ बिट मोर रैशनल एंड अ बिट मोर लॉजिकल देन इन्वेस्टिंग इन हाई एक्सपेंस रेशियो वाले हाई कमीशन वाले एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स. बट डज दिस मीन दैट वी कैन नेवर एवर आउट परफॉर्म द मार्केट विदाउट एक्चुअली हैविंग द नॉलेज ऑफ इट? हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ही इसलिए करते हैं बिकॉज वी डू नॉट हैव द नॉलेज ऑफ एनालाइजिंग कंपनीज, ऑफ फाइंडिंग व्हाट इज अ रियली गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन. अब अगर एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स ही हमें वो नहीं करके देते, so does this mean that we as retail investors do not have any chance of outperforming the market? Isi outperformance ko achieve karne ke liye I have yet another strategy. This is something that I am going to discuss in my next couple of videos. So do not forget to subscribe and hit the bell icon so that whenever I upload any video, you get updated. Till then, stay safe. Bye-bye.